पिछले दिनों दे विच इंग्लैंड की महाराणी एलिजाबैथ सैकंड जिहड़ी है वह अकाल चलाना कर गई। भारतीयों ने भी बड़े सोग मनाए, पता नहीं साढ़े लोगों को समझ आई कि नहीं आई, पर देखा देखी का जमाना है ना टिकटॉक का, सोशल मीडिया का। उन्हें पोस्ट पाई तो मैं भी पाउनी। वह भारत आई एक बार, उदों आई के गुजराल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर से। और जिहड़ी गल मैं अटैच कर लगा उन्हों समझियो, वो भारत आई तो उन्हें इच्छा जाहिर की कि मैं सिखां दा जिके जिहड़ी होली प्लेस है मैं उत्थे जाना चाहुंदी। उन्हें सुनिया होएगा पढ़िया होएगा किते ना किते। आई के गुजराल दे नाल वो दरबार साहब आई, नतमस्तक हुई, उन्हें सिजदा किया, परिक्रमा कीतियां, अंदर बैठ के कीर्तन सुनिया। तो जो मेरा मानना है कि शायद उन्हें शायद कीर्तन नहीं समझ आया होएगा, क्योंकि बरतानिया के इंग्लैंड जंपाल है, उतों की वो महाराणी है, तो शायद उदों पंजाबी शायद कह रहे हैं उन्हें समझ नहीं आती होएगी, गुरमुखी शायद नहीं समझ आती होएगी, बाणी शायद उन्होंने समझ ना आई होए। पर उतों बहर आने तो बाद एक गल कही सी बड़ी प्यारी, कहिंदी सी इस जगह दे उत्ते आके मैनूं इदां लगदा है कि दुनिया उत्ते सब तो वध जे किते शांति है तो वह इस जगह दे उत्ते। उस तो बाद आई के गुजराल सिफारिश करता है कि इहदे नाल एक दुर्गयाणा मंदिर है, आओ उत्थे भी नतमस्तक हो जाइए, उत्थे भी मत्था टेक लो। कहिंदी की होएगा, कहिंदा उत्थे भी सुकून मिलेगा। कहिंदी जिहड़ा जिन्ना मैनूं सुकून जिन्ना कि चाहीदा सी इन्ना मिल गया, और मैनूं इस तों वध सुकून दी कोई आस नहीं।